1489, 17324, एक आईसी बेस के ऊपर माउंट है, कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, पिन नंबर 1 से 7, 8 से 14, पीछे से इस प्रकार कनेक्शन किए हैं। फिलहाल फाइनल वायरिंग करने के पहले 12 वोल्ट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, एक एम्पलीफायर का, इसमें 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, VCC और ग्राउंड। हर एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और एक आउटपुट। फिलहाल टेस्टिंग के लिए 5 वोल्ट सफ़ेद वायर, ब्लू वायर नेगेटिव, 2 पोटेंशियोमीटर, पहला और आखिरी एंड कॉमन किया हुआ है, सेंटर टेप 2 और 3 में लिया हुआ है, 2 रिले 12 वोल्ट कॉइल वाले। इसके कॉमन NO और NC टर्मिनल। टेस्टिंग के लिए 24 वोल्ट का इंडिकेशन है, जिसका नेगेटिव कनेक्ट है। फिलहाल यहाँ से 12 वोल्ट और 5 वोल्ट लिया हुआ है, LM 7812-7805, 4 डायोड का रेक्टिफायर ब्रिज एक कैपेसिटर के साथ में, एक दूसरा डायोड फुल वेव, 2 डायोड वाला सेंटर टेप ट्रांसफार्मर 12012। यहाँ इतने बड़े ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है, 500 मिलियंस का ट्रांसफार्मर चल जाएगा। अनरेगुलेटेड 12 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों रिले के एक टर्मिनल को कनेक्ट है, और रिले का दूसरा टर्मिनल NPN ट्रांजिस्टर 547, ये IC से 4 ट्रांजिस्टर एक्टिवेट किए जा सकते हैं, 4 रिले ऑपरेट किए जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड अप डाउन करने के लिए सिर्फ 2 रिले काफ़ी है, एक CT प्राइमरी 5 एम्पियर जो फर्नेस ट्रांसफार्मर के CT से यहाँ 5 वोल्ट आएगा, 5 एम्पियर आएगा। इसका सेकेंडरी 6x1200 या 5x1000, 6 टर्न प्राइमरी के, 1200 टर्न सेकेंडरी में, या फिर 5 टर्न प्राइमरी में, 1000 टर्न सेकेंडरी में। सेकेंडरी से आने वाला करंट AC करंट जो ट्रांसफार्मर के ST ट्रांसफार्मर 22 kV या 11 kV, जिसका सेकेंडरी 110 वोल्ट रहता है, उसका हाई करंट 1000 एम्पियर या उसके भी ऊपर रह सकता है। यहाँ उसका प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी इसका 2 रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकते हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्शन के लिए। वोल्टेज AC वोल्टेज यहाँ रेक्टिफाई होगा, फिल्टर होगा, ये 12 वोल्ट सर्किट के लिए 4 डायोड है। फिलहाल 12 वोल्ट बाहर से लिए हुए हैं, इंटरनल भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। ये इसका दूसरा प्लेट, ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर एक डायोड के द्वारा, ये डायोड 8 नंबर का आउटपुट, 14 नंबर का आउटपुट, 1 नंबर का आउटपुट और 7 नंबर का आउटपुट, 4 आउटपुट लिए जा सकते हैं। एक ट्रांजिस्टर ऑपरेट करने के लिए एक एम्पलीफायर और एक डायोड,
यहाँ का वोल्टेज रिवर्स आईसी को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए डायोड है। आईसी के पिंस को सीटी के द्वारा रेक्टिफाई वोल्टेज सैंपल के लिए देने के लिए रेजिस्टेंस है। करीब 5 से 12 वोल्ट के आसपास तक यहाँ दिया जा सकता है इनपुट। .002 को रेजिस्टेंस लगाकर 1K या 1.5K का यहाँ पर करीब 8-9 वोल्ट तैयार होगा। फिल्टर होने के बाद करीब 12 वोल्ट तक आएगा। करंट सेट करने के लिए 2 पोटेंशियोमीटर, अप पोटेंशियोमीटर, डाउन पोटेंशियोमीटर, यानी अप का करंट सेट करने के लिए, डाउन का करंट सेट करने के लिए। अप समझो 200 एम्पियर पर अप करना है, 500 एम्पियर पर या 1500 एम्पियर पर डाउन करना है, तो ये सेटिंग करना पड़ेगा उसके प्रोपोर्शन में। और जैसे ही फर्नेस चालू करेंगे अक्सर करंट जीरो रहता है शुरू में, तो डाउन का रिले ऑन होगा। यह डाउन तब तक होते रहेगा जब तक करंट सेट वैल्यू तक आएगा। सेट वैल्यू पे आने के बाद रिले ऑपरेट होगा और करंट कम होना शुरू होगा क्योंकि इलेक्ट्रोड ऊपर जाएगा। 3 फेज फर्नेस में 3 अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए 3 अलग अलग करंट रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। ये सिंगल फेज के लिए, 1 इलेक्ट्रोड के लिए, 3 इलेक्ट्रोड के लिए, 3, सभी में एक जैसी व्यवस्था, लेकिन सभी के एमिटर और सेकेंडरी आने वाले ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से अलग अलग सीटी को दिया जाएगा।